नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी के F62 फोन के बारे में, जो कि दोस्तों आपको 16,800 रुपये में मिल जाएगा। या दोस्तों आपने सही सुना, 16,800 रुपये में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। आपको ये कैसे लेना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस दोस्तों इस फ़ोन के ऊपर आया वो है 22,999 रुपये, यानी दोस्तों ये 23,000 रुपये का फ़ोन है। बट दोस्तों इसके ऊपर ऑफर चलती रहती है तो ये आपको 21,500 रुपये का मिल जाता है। बट वहीं दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को अभी खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 16,800 रुपये में मिल जाएगा। वो भी दोस्तों आपको जो पेमेंट है वो आपको EMI पर देना है, आपको कैश भी नहीं देना। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि आपको जो पेमेंट है वो 6 महीनों में देना है, तो जिससे दोस्तों जो है आपको फिर भी 16,800 रुपये मिल जाएगा। तो कैसे लेना ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ फीचर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें मिलती है हमें 7,000 mAh की एक बड़ी बैटरी। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो सैमसंग ब्रांड का हो, क्योंकि सैमसंग ब्रांड जो है उस पर लोग दोस्तों काफ़ी भरोसा करते हैं, तो दोस्तों सैमसंग ब्रांड का ये फ़ोन है, इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। डिस्प्ले दोस्तों इसकी काफ़ी बड़ी है, 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें दोस्तों आपको मूवी वगैरह ज़्यादा देखनी होती है, गेम ज़्यादा खेलना होता है, तो आपके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस दोस्तों बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों इसके अंदर हमें Exynos का 9825 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 7nm पे बना हुआ प्रोसेसर है। तो दोस्तों जो एक फ्लैगशिप फ़ोन में पहले आता था, बट अभी जो आपको इतनी कम कीमत में सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। कैमरे के मामले में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। इसमें दोस्तों आपको रियर में 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा बहुत 64 मेगापिक्सल का, और वहीं दोस्तों सेल्फी कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों कैमरे भी दोस्तों इस फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं, और सैमसंग के फ़ोन के जो कैमरे होते हैं दोस्तों वो भी वैसे आपको पता ही है काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हर मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन आपको 16,800 रुपये में कैसे मिलेगा, वो भी EMI के ऊपर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसका पेमेंट करना होगा HDFC बैंक डेबिट कार्ड से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको HDFC बैंक डेबिट कार्ड से फ्लिपकार्ट से खरीदते हो अभी 21 मई तक, तो दोस्तों वहाँ पर एक ऑफर आ रहा है जिसमें दोस्तों आपको ये फ़ोन EMI पर खरीदना है। अगर आप इस फ़ोन का पेमेंट EMI वाले ऑप्शन में आगे करते हो तो दोस्तों HDFC बैंक के कार्ड से जब आप इसका पेमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे 6 महीने का ऑफर दिखाया जाएगा। यानी दोस्तों आपको 6 महीने में इसके पेमेंट देना है, 2800 रुपये समथिंग की पहली किस्त आएगी, और दोस्तों हर महीने आपको 2800 रुपये समथिंग देने हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 16,800 रुपये का पड़ जाएगा। अब वो दोस्तों अच्छी बात इसमें यह है कि आपको जो 16,800 रुपये हैं वो आपको कैश नहीं देने, हर महीने 6 महीने तक देने हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके जो पैसे हैं वो कब कंपनी के पास पहुंच गए, क्योंकि दोस्तों किस्तों में हमारे पास सामान भी आ जाता है और पैसों का भी पता नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इस फ़ोन ले सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।